हेलो स्टूडेंट्स, आज हम EVS फिफ्थ क्लास की EVS की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स विच इनेबल अस टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड अस, यानी वो सारे हमारी बॉडी के वो पार्ट्स, वो अंग, वो ऑर्गन जो हमें हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनसे अवेयर कराते हैं, यानी उनको हमें महसूस कराते हैं, उन्हें हम देखने में मदद करते हैं, उन्हें टच करने में हेल्प करते हैं, तो उन सभी ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। यानी हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अगर हम देख पा रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं, उनके बारे में हम कुछ भी जान पा रहे हैं, तो वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेंस ऑर्गन्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट है आइज़। तो आइज़ किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आइज़ हेल्प करते हैं हमें देखने में, यानी कि साइट में हेल्प करते हैं। हम अपने आसपास की दूसरी चीज़ों को, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को तभी देख पाते हैं जब हमारे पास आँखें हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या हमारे पास आंखें अगर नहीं होती तो क्या हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते? नहीं देख पाते। तो यानी हमारी बॉडी का वो ऑर्गन जो हमें आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है वो है आई। तो ये पहला सेंस ऑर्गन है जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। सेकेंड ऑर्गन हम देखते हैं यहाँ पर है ईयर, यानी जो हमारे कान हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो कान हेल्प करते हैं हमें अपने आसपास की चीज़ों को सुनने में। कोई भी आवाज़ है, कोई इंसान हमें बुला रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो उसको हम कैसे समझ पाते हैं? तो उसकी आवाज़ को सुनकर ही समझ पाते हैं। और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें जिस अंग की ज़रूरत होती है, जिस ऑर्गन की ज़रूरत होती है, वो होते हैं ईयर्स। तो ईयर हेल्प करते हैं कि हम दूसरों की आवाज़ को सुन पाएँ। तीसरा सेंस ऑर्गन है नोज़। नोज़ किस चीज़ में हेल्प करता है? तो हमारे आसपास की चीज़ों को स्मेल करने में हेल्प करता है। जैसे कभी हम खाना हमारे सामने रखा है, हम उसकी सूंघ से भी पता कर लेते हैं। अगर हमने उसे नहीं देखा है तो सूंघ कर भी हम बता देते हैं कि आज ये चीज़ शायद हमारे घर में बनाई गई है। तो स्मेल करने में जो ऑर्गन हेल्प करता है वो है नोज़। तो नोज़ हो गया थर्ड सेंस ऑर्गन। फिर फोर्थ है टंग। टंग हमें दूसरे चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करती है। जैसे कि हम शुगर खाते हैं तो वो हमें मीठी लगती है, सॉल्ट खाते हैं तो सॉल्टी लगती है, अगर हम करेला खाते हैं तो हमें बिटर लगता है, कड़वा लगता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के टेस्ट को जानने में जो ऑर्गन हेल्प करता है वो है टंग। तो टंग हो गया हमारा फोर्थ सेंस ऑर्गन। और फिफ्थ है स्किन। जैसे कि अगर हमें कोई टच करता है तो हमें पता चलता है कि हमें कोई टच कर रहा है। अगर हमें कोई पिन चुभ जाती है, कोई कांटा चुभता है बॉडी में, तो हमें वो फील होता है। वो इसलिए ही फील हो पाता है क्योंकि स्किन हमारी हेल्प करती है उस टच को महसूस करने में, सेंस करने में। तो हमारी बॉडी में ये टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। तो हर एक सेंस ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हमने समझ लिए हैं। आइज़ की हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ को देख पाते हैं, यानी साइट में हेल्प करती हैं आइज़। ईयर्स की हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ों को सुन पाते हैं, यानी हियरिंग में हेल्प करते हैं ईयर्स। थर्ड है नोज़ की हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ों को स्मेल कर पाते हैं, दैट मींस स्मेलिंग में हेल्प करते हैं नोज़। एंड टेस्ट करने के लिए जो ऑर्गन हेल्पफुल है वो है टंग। एंड दूसरे ऑब्जेक्ट्स को टच करके उसे महसूस करने में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं वो है स्किन। तो ये 5 ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। और इन 5 सेंस ऑर्गन्स कलेक्टिवली, इन ऑर्गन्स की हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ों को देखना, महसूस करना, उन्हें जानना, समझना, उनके बारे में चीज़ें जानना, हम इन ऑर्गन्स की हेल्प से ही करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है।
कि सेंस ऑर्गन्स हमें दे रखे हैं और उसके आगे उनके पिक्चर्स दे रखी है, तो हमें मैच करना है कि कौन सा सेंस ऑर्गन कहाँ बना हुआ है। जैसे आई है, यहाँ पे आ जाएगा, नोज़ इधर है, स्किन यहाँ है, टंग यहाँ है और ईयर यहाँ है। तो इस तरह से हमें ऑर्गन्स को उनके नेम के साथ मैच करना है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रॉ दी पिक्चर ऑफ फाइव सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पिक्चर्स आएगा, ड्रॉ दी पिक्चर्स ऑफ फाइव सेंस ऑर्गन्स, यानी कि पांच सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनकी हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके नीचे उनका नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल हमने आई ड्रॉ किया, उसके नीचे हम लिख देंगे आई, ईयर ड्रॉ किया हमने ईयर लिख देंगे, नोज़ ड्रॉ किया तो नोज़ लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर जो कि है सेंस ऑर्गन्स। थैंक यू।